मैं चैनल ब्यूटी मैंने अब बदल रहे तो आज होने वाला है फेस्टिव मेकअप लुक, ग्लॉसी फेस्टिव मेकअप लुक, जिसमें हल्का सा ग्लॉसी वाला लुक आएगा। और ये लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ सुनीसा सीसी फाउंडेशन के साथ। तो ये लुक जो मैं क्रिएट करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ सुनीसा सीसी फाउंडेशन, क्योंकि इसमें एक हल्की सी शाइनिंग होगी। तो ये किस तरीके से मतलब मैं ट्राई करूँगी, अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन वाले भी इसको लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, क्योंकि इस फाउंडेशन में मुझे हल्की सी शाइनी लगती है। तो डे लाइट में अगर आप इसको यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। और ये फुली वाटरप्रूफ है, मैंने इस पर वीडियोज़ पहले भी बनाई है, बहुत लोगों को शायद अच्छा नहीं लगा, बहुत लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और मुझे भी ये काफ़ी पसंद आया। तो इसी पे आज की वीडियो है, इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी फेस्टिव लुक को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने फेस पे मैं निविया का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, इससे अपने पूरे फेस को मैं अच्छे से प्रेप कर लूँगी ताकि मेरा जो बेस बने वो थोड़ा सा अच्छा और ग्लॉसी वाला लगे। इसलिए स्किन का हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर लें। इसके बाद यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर लिया है, तो इसको ज़रूर अप्लाई करें। वैसे भी प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है मेकअप में, क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करता है फाउंडेशन और स्किन के बीच, ताकि आपकी स्किन भी डैमेज ना हो और आपका मेकअप भी बहुत अच्छा लगे। तो इस तरीके से इसको अच्छे से अप्लाई कर ले जहाँ पे भी आपका ऑयल ज़्यादा आता हो। अब यहाँ पर सुनीसा का मैं सीसी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, इसको मैंने ब्लेंडर से की मदद से डैप डैप करके इसको अप्लाई करना है। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है और शाइनी लुक देता है, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज वाला नहीं है, आप देख सकते हो, एक हल्की सी लेयर बना देगा आपकी स्किन के ऊपर और हल्का सा शाइन देगा। तो इतना मेकअप फेस्टिव मेकअप में फेस्टिवल में बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा हैवी लुक भी नहीं देता और अच्छा सा ग्लो देगा आपको, हल्का सा ग्लॉसी ग्लॉसी लुक आएगा। तो इस तरीके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। आईब्रो सेट कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ही किट से, पाउडर बेस्ड आईब्रो है ये, ज़्यादा अच्छी रहती है। क्रीम वाली आईब्रोज़ ना यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई वाला लुक देगी, फेस्टिवल में इतना लुक अच्छा लगता है। अब यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ 01 स्विस ब्यूटी का कंसीलर, तो ये कंसीलर भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी कवरेज बना देता है अगर आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं, और 200 में आपको आसानी से किसी भी वेबसाइट पे नाइका फ्लिपकार्ट अमेजोन इन सब पे मिल जाएगा। तो इसको हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, और डैब डैब करके ब्लेंड करना है, बिल्कुल रगड़ना नहीं है अपनी आइज़ को, तो हल्का हल्का इसको ब्लेंड करेंगे। इसके बाद मैं लिपस्टिक ले रही हूँ जो कि है स्विस ब्यूटी की नंबर याद नहीं है, ये पिंक कलर का शेड है। तो सबसे पहले इसको मैं मतलब एज अ ब्लशर ही यूज़ करना है, तो ये वाला लुक ना बहुत अच्छा लगता है। अब आप देख सकते हो थोड़ा ब्लशर ज़्यादा हो गया, तो मैंने ठीक इसके ऊपर सुनीसा का ही फाउंडेशन यूज़ कर लिया है। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हमारा रेड रेड नहीं लगेगा। अब कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कि है मेबेलिन का 11 पोर्सिलिन, तो इसको मैं आईज़ को अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि कोई क्रीज लाइन ना लगे। अब पाउडर आपको कैसे लगाना है, इस तरीके से फ्लफ़ी सा ब्रश लेना है, ये फेसेस कनाडा का ब्रश है, अगर आप फ्लैट ब्रश लोगे तो ये थोड़ा हाई कवरेज बना देगा, इसलिए इसी तरीके से अप्लाई करें, इससे क्या होगा आपका पूरा फाउंडेशन सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आई शेडो पैलेट जो कि है मेकअप रिवॉल्यूशन की, सबसे पहले येलो कलर लिया है, तो उसको क्रीज लाइन पे अप्लाई करा है अच्छे से। ये बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी पैलेट है। इसके बाद ठीक ऑरेंजिश कलर लिया है और ठीक उसी के आईलेट के ऊपर मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन निकल कर आता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप फेस्टिवल में आई मेकअप लुक कर सकते हो। अब सिंपल शिमर लिया है, पिंक डार्क पिंक कलर का शिमर है, और उसको अपनी फिंगर की मदद से मैंने अप्लाई कर लिया है। तो ये बिल्कुल सिंपल और इजीएस्ट है आई मेकअप, किसी को नहीं भी आता है बिल्कुल भी, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा लगता है। अब एक सिंपल ब्रश लेके हल्का सा ऑरेंज कलर का आई शेडो लिया है और इस तरीके से क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर लिया। लोअर लैश लाइन पे भी मैंने ऑरेंज कलर का ही आई शेडो यूज़ किया है, हल्का हल्का स्मोकी लुक देने के लिए। और इनर कॉर्नर्स पर मैंने हाइलाइटर लेके उसको हाईलाइट किया है, जो कि है मेकअप ये मेबेलिन का हाइलाइटर है, तो इस तरीके से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो क्या होती है ना, हमारी आईज़ बहुत सुंदर लगती है, ब्राइट लगती है और बिल्कुल फ्रेश लगती है। इसके बाद नाइका का जेल आईलाइनर लिया है, जेल आईलाइनर बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देते हैं।
तो इस तरीके से इसको विंग्ड वाला अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छी आइज लगेगी आपकी और काफ़ी अच्छा लुक भी आएगा। तो इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। ब्रश जो लिया है वो वेगा का ही मैंने ब्रश यूज़ किया है। अब आई लैशेज़, जो कि बिल्कुल नेचुरल लुकिंग वाली आई लैशेज़ लेनी है आपको, बहुत ज़्यादा हैवी वाली आई लैशेज़ नहीं लेनी। अगर ऑलरेडी आई लैशेज़ अच्छी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने नायका का डार्क कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है नंबर 05 टोस्टी 10। तो इस तरीके से इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे, मतलब इसको कॉन्टोर कर लेंगे पूरे फेस को अच्छे से, और नोज़ की भी कॉन्टोरिंग कर लेंगे। नोज़ की कॉन्टोरिंग तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप फेस की नहीं करना चाह रहे हो तो आप फोरहेड और नोज़ इन दोनों की कॉन्टोरिंग ज़रूर कर लें। अब यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ब्लशर लिया है, ये पीच कोरल ब्लशर है, बहुत प्यारा कलर है इसका और 200 की रेंज में आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। हल्का हल्का अप्लाई करना है ब्लशर। अब इसी के ठीक ऊपर हल्का हल्का मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है, तो आप देख सकते हो लुक कितनी अच्छी आई है और बिल्कुल ग्लॉसी ग्लॉसी लुक लगती है, बहुत ज़्यादा हैवी वाला मेकअप नहीं लगता है। तो इतना आप इस तरीके से इस सुनीसा फाउंडेशन को यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आईब्रो बोन्स को भी हल्का सा हाईलाइट कर लेंगे। लिपस्टिक ले रही हूँ जो कि है कलर बार की, शेड में भूल गई हूँ, सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। और लिप लाइनर भी, ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है, तो पहले मैंने लिप लाइन बना ली, उसके बाद ये पीची कलर की लिपस्टिक है, बहुत ही प्यारा शेड है इसका। मैंने इस पर वीडियोज़ भी बनाई है कलर बार की लिपस्टिक पर, आप उसको भी देख सकते हो, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो कौन सा शेड है। इसके बाद कोई भी इयररिंग्स, ऑक्सीडाइज इयररिंग हमेशा ही अच्छे लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे भी काफ़ी पसंद है, इससे लुक बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से आप इयररिंग्स डाल सकते हो, सिंपल लुक है, आप चाहो तो बिंदी भी लगा सकते हो अगर आप बिंदी लगाना चाहते हो, तो ये लुक आप क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल ईजी सिंपल फ्रेश लुक है। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगे, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।